हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज टेक डिजिटल। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने होटल चालू कर दिया था। होटल में इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो होटल में इंपॉर्टेंट होता है रूम डेज निकालना साल भर में, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव रूम डे। अगर सिंगल रूम है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिंगल रूम भी है, डबल रूम है, तो डबल को किस में कन्वर्ट करने का? सिंगल में। ट्रिपल रूम है तो उसको भी कन्वर्ट करने का सिंगल में, ताकि डिविजन करना आसान हो जाए। जो बोला वो नहीं समझा है तो आज के समय वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टार्ट करते सम, देखते क्या दिया। न्यू रंजीत होटल has three types of suites for its customer, single room, double room, triple room। मतलब एक होटल है जिसमें तीन टाइप के रूम है, एक सिंगल रूम वाला है, एक डबल रूम वाला है और एक ट्रिपल। अब अपने को क्वेश्चन में सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम दिया है, तो लॉजिक क्लियर कर लो। सिंगल रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डबल रूम को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? सिंगल में। ट्रिपल रूम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ताकि पूरा सब सिंगल रूम का डेटा मिल जाए और सब रूम सिंगल बन जाए, किसी को भी डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है। सिराज सर है तब तक सब सिंगल है। क्या बोला है? एडजस्ट कर लेना, वापस ध्यान दो। तो सिंगल सिंगल रूम को सिंगल ही रखने का है, डबल रूम को भी सिंगल करना है, ट्रिपल रूम को भी सिंगल करना है। बात समझ में आया? सबको हम क्या करने वाले? सिंगल, किसी के साथ किसी को छोड़ेंगे नहीं। सना क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते। फाइंड क्या करना है? हर सम में सना अपने एक ही चीज फाइंड करना होता है, स्टेट द रेंट चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या है? तो सबसे पहला बोला है नंबर ऑफ सूट्स फॉर ईच टाइप। सिंगल रूम में कितने सूट्स है हमारे पास? 100 रूम्स। डबल की कितने सूट्स है? ट्रिपल की कितने? ये नंबर ऑफ रूम्स हो गए। द रेंट ऑफ डबल रूम जो है इज फिक्स्ड एट 1.5 times, मतलब 1.5 times ऑफ सिंगल रूम। तो अगर जो भी सिंगल रूम का रेंट है उसका 1.5 times डबल रूम का रेंट है, एंड दैट ऑफ थ्री रूम्स ट्रिपल रूम का रेंट जो रहेगा विल बी ट्वाइस द सिंगल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सिंगल रूम तो सिंगल रखेंगे बट डबल को भी सिंगल में करेंगे, ट्रिपल को भी सिंगल में करेंगे। बाद में और अच्छे से चाहिए तो एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, क्या यहाँ पे द ऑक्यूपेंसी ऑफ ईच टाइप। समर का ऑक्यूपेंसी दिया है, विंटर का ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है, फिर एनुअल खर्चा दिया है, सैलरी का खर्चा दिया है, रूम अटेंडेंट का समर में कितना, विंटर में कितना, लाइटनिंग का खर्चा कितना है तो लाइटनिंग का खर्चा दिया है, पावर का खर्चा, ये सब एक्सपेंसेस है जो अपने टेबल में जाएगा। डेप्रिसिएशन, एसी वगैरह सब दिया हुआ है। आगे दिया है समर में भी अज्यूम फॉर 7 months एंड विंटर में भी अज्यूम फॉर 5 months। समर और विंटर में कितना महीना है अपने को मालूम है। आगे दिया है अ मंथ में बी टेकन एज 30 days, महीना है तो कितने दिन का महीना रहेगा? 30 दिन का। प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 25% ऑन कॉस्ट। सबसे पहला चीज होटल में आपको क्या करना है? इफेक्टिव रेट्स निकालना है। एक एक करके पहले अपन इफेक्टिव रेट्स निकाल लेते। सबसे पहला देखते सिंगल रूम कितना है मेरे पास? 100। डबल रूम कितना है मेरे पास और ये कितना है? आगे दिया हुआ है कि ऑक्यूपेंसी समर के टाइम पे सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाई होता है और विंटर में कितना ऑक्यूपाई होता है, डबल रूम कितना ऑक्यूपाई आएगा दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे हम वर्किंग बनाने वाले। स्टार्ट कर रहा हूं रूम डेज पूरे साल भर में। सिंगल रूम की बात करता हूं, तो सिंगल रूम की बात करूंगा तो सिंगल रूम कितना है मेरे पास? समर में कितना ऑक्यूपाई आएगा, विंटर में कितना ऑक्यूपाई आएगा? चलिए सिंगल रूम समर में 100 रूम है, 90% ही ऑक्यूपाई आएगा। तो 100 का 90% मतलब कितना आ जाएगा? 90। क्लियर? हाँ जी। कितने दिन का महीना है भाई? 30 दिन का, एक महीना है। और समर कितने मंथ्स के लिए चलता है? 7। तो यहाँ पे इनटू 30 days इनटू 7 months, तो पूरे साल भर में मेरा सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है? 18,900 times, मतलब 18,900 दिन। एक साल में 365 दिन ही होते, बट 365 रूम थोड़ी है मेरे पास। मेरे पास 100 रूम है, तो 100 रूम के हिसाब से 30 दिन का 30 हो जाएगा। 7 महीने का कितना होएगा? ये मुझे एक रूम मिलेगा 30 दिन में, मतलब 30 रूम्स लिया मतलब एक रूम लिया, इंटू 7 किया मतलब एक रूम हुआ,
100 रूम के हिसाब से या 90 रूम के हिसाब से कितना होगा। तो मैंने साल भर का सिंगल रूम का कैलकुलेशन किया, ये समझा अभी दिमाग में। उसी जगह पे अगर मैं विंटर की बात करूँ तो कितना ऑक्यूपाई करता है, तो 100 का 50% मतलब 50 रूम ही ऑक्यूपाई होते हैं। 30 दिन में 50 × 30 करूंगा तो 150 हो जाएंगे, मतलब 1500 रूम हो जाएंगे। अरे हाँ, और 7 मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे साल भर, 5 मंथ्स, क्यों? क्योंकि विंटर कितने मंथ्स का है? 5 मंथ्स, तो यहाँ पे 5 मंथ्स के लिए तो 7500 गए। बात समझ में आ गया? तो पूरे साल में सिंगल रूम का टोटल कितना आ रहा है? 18900 + 7500 = 26400। डन। अब मैं सेम कैलकुलेशन किसके लिए करूंगा? डबल के लिए। सेम कैलकुलेशन किसके लिए करूंगा? ट्रिपल के। डबल कितना ऑक्यूपाई हो रहा है? 80। डबल रूम है कितना? 30। तो सेम कैलकुलेशन कर लेता हूँ। डबल रूम समर में 30 रूम है, 80% ऑक्यूपाई हो रहा है, 30 डेज और 7 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करूंगा। समझ में आया ये? विंटर में कितना ऑक्यूपाई हो रहा है? 20%। तो विंटर में रूम तो 30 ही रहेंगे, तो 30 का 20% कैलकुलेट किया मैंने, बराबर इनटू 30 डेज इनटू 7 मंथ, नहीं 5 मंथ, विंटर 5 मंथ का है, मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? तो डबल रूम कितना हुआ? डबल रूम 5000। अब ये डबल रूम को कन्वर्ट करेंगे सिंगल में, तो डबल है तो सर डिवाइड बाय 2 कर दो ना। मैंने डिवाइड बाय 2 कर सकता था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करने नहीं बोला, उसने डिवाइड बाय 1.5 बोला है, क्योंकि उसने बोला है डबल रूम का जो रेंट होगा वो 1.5 टाइम्स होगा। तो हमने क्या किया, जो भी मेरा डबल रूम आया मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दिया, कितना आया? 8910। तो ये जो 8910 हुआ, डबल को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? सिंगल में। क्लियर? मतलब डबल इतना है, सिंगल कितना है? 8910। क्लियर? पक्का समझा? मतलब 8900 1.5 से डिवाइड करोगे तो 5000 आ जाएगा, क्योंकि डबल रेंट को हमने सिंगल में कन्वर्ट किया था। क्लियर हुआ? तो अब सिंगल रूम, ये भी सिंगल रूम। क्लियर है? दिमाग में बैठा? अब ट्रिपल रूम की बात करता हूं, तो ट्रिपल रूम कितना है? 60 और 20 ऑक्यूपाई होगा। ट्रिपल रूम है कितना? 20। तो यहाँ पे आ जाता हूं समर में, 20 रूम्स है, 60% ऑक्यूपाई होगा, 30 डेज इंटू 7 मंथ्स कितना आ गया? 2520 आ गया। विंटर में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 20%। तो रूम कितने? 20। 20% ही ऑक्यूपाई होगा इंटू 30 इंटू 5 मंथ्स करूंगा, कितना आ गया? टोटल कितना हो गया? अब ये ट्रिपल रूम है, इसको भी कन्वर्ट करने का है सिंगल में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या बोला है? ट्रिपल रूम सूट्स आर ट्वाइस द सिंगल, भाई इसका डबल कर दो, 3120 का डबल करो, कितना आया? समझ में आ गया? क्लियर? तो अब ये भी सिंगल रूम, ये भी सिंगल रूम, ये भी सिंगल रूम, तो सब सिंगल रूम बन गए। तो पूरे साल में मैंने सबको सिंगल कर दिया। अब टोटल निकालेंगे सब सिंगल का कितना आ रहा है, तो सब सिंगल का टोटल आ रहा है 41550। अपना काम क्या था? सबका कन्वर्ट करना था सिंगल में। अगर ये सिंगल होता तो भाई प्रॉब्लम नहीं था, डबल है तकलीफ है, ट्रिपल है तकलीफ है, हो जाओ सिंगल। तो पूरे साल में अपना सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है? 41550। तो मतलब जो भी खर्चा आएगा वो इससे डिवाइड किया जाएगा, तो पर रूम समझ में आ जाएगा। तो होटल में पहला कैलकुलेशन यही होता है जो इम्पोर्टेंट है। अब अपन अपने टेबल पे चले जाते, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से खर्चा चालू हुआ। पहला स्टाफ सैलरी का खर्चा है, फिक्स खर्चा है, कितना है? 2,20,000। उसके बाद रूम अटेंडेंट का खर्चा है, तो रूम अटेंडेंट का समर में अलग रेट दे रहे, विंटर में अलग, तो इसका कैलकुलेशन करता हूं मैं। रूम अटेंडेंट खर्चा कैलकुलेट कर रहा हूं समर में। रूम अटेंडेंट को मैं सिंगल रूम का कितना दे रहा हूं, डबल रूम का कितना दे रहा हूं, ट्रिपल रूम का कितना दे रहा हूं, समर का कैलकुलेशन सिंगल रूम डबल रूम ट्रिपल रूम। समर में सिंगल रूम कितना है, डबल रूम कितना है, ट्रिपल रूम कितना है? तो सर ये नहीं लेने का क्या? नहीं, ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया है, जो टोटल खर्चा आएगा उसे डिवाइड करने के लिए। बट एक्चुअल में समर में सिंगल रूम इतना यूज हुआ, समर में डबल रूम इतना यूज हुआ, समर में ट्रिपल रूम इतना यूज हुआ। तो जब मैं खर्चा कैलकुलेट करूंगा सिंगल रूम का, तो समर में 18900 इंटू 2 रुपया दिया, डबल रूम कितना दिया? 5040 इंटू 3 रुपया, एंड ट्रिपल रूम 4 रुपया दे रहा हूं, ट्रिपल रूम में कितना है समर में? 2520। ये समझा? अब विंटर में आता हूं, विंटर में 3 रुपया, 4.5 रुपया, 6 रुपया। तो विंटर में सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाई हुआ है? 7500 इंटू 3। डबल रूम कितना ऑक्यूपाई हुआ है? 900 इंटू 4.5। समझ में आया? एंड ट्रिपल रूम कितना? 600
क्या है भाई इधर ट्रिपल रूम 600 ही है, यहाँ पे 600 × 6 3600। अब क्या है सबको टोटल कर दो, टोटल कितना आ रहा है 93,150। तो रूम अटेंडेंट का खर्चा कितना है 93,150। समझाइए। चलो रूम अटेंडेंट के बाद क्या खर्चा आ रहा है, लाइटिंग का खर्चा आ रहा है। लाइटिंग का खर्चा कितना आ रहा है, लाइटिंग हीटिंग एंड पावर फुल मंथ का है, ध्यान देना पूरे महीने का है व्हेन ऑक्यूपाइड। सिंगल रूम का लाइटिंग का खर्चा पूरे महीने का, डबल रूम का लाइटिंग का खर्चा पूरे महीने का, ट्रिपल रूम का लाइटिंग का खर्चा पूरे महीने, सेम पावर का भी है। मैं जो इधर वर्किंग दिखा रहा हूं पहले समझ लो, अब समझो बाकी आप जैसा सॉल्व करना चाहो वैसा कर सकते। लाइटिंग का खर्चा पूरे महीने का कितना है, लाइटिंग का खर्चा पूरे महीने का कितना है 40 रुपए, एक महीने का, ये मैंने कह रहा हूं यहां पे उसने बोला है। तो अगर पूरे महीने का 40 है, महीने में कितने दिन होते हैं, तो डिवाइड बाय 30 करूंगा तो एक दिन का मिल जाएगा, तो डिवाइड बाय 30 करो कितना आ रहा है 1.33 एक दिन का। सिंगल रूम का चल रहा है, सिंगल रूम का लाइट का खर्चा एक दिन का है 1.33। सिंगल रूम मेरा पूरे साल में कितना चला है बराबर, अरे हाँ, तो मैं क्या करूंगा 26,400 × 1.33333333 कर दूंगा। समझा कितना आ रहा है, देखो जरा कैलकुलेट करो 35,200 आ रहा है। तो मतलब लाइटिंग का सिंगल रूम का खर्चा कितना है, समझा ऐसा ही मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं, यहां पे दिखा रहा हूं लाइटिंग एंड हीटिंग सिंगल रूम का कितना है 26,400 40 / 30 30 मैंने इधर लिखा है, आपको चाहिए तो 40 यहां पे लिख लो भाई, यहां पे ऐसा लिखो 26,400 कहां से आया 26,400 × पूरे साल का सॉरी पूरे महीने का 40 / 30। मैंने पहले ये डिवाइड किया बाद में मल्टीप्लाई किया, समझा भी क्लियर कितना आ गया, कैलकुलेट करना वही चीज यहां पे लिखा मैंने। ये तो सिंगल हुआ, डबल का पूरे साल का कितना है पूरे महीने का 60, तो 60 डिवाइड बाय क्या होगा 30 × डबल रूम कितना ऑक्यूपाई किया भाई मैंने, डबल रूम मैंने ऑक्यूपाई कितना किया है सॉरी ये नहीं लेंगे, ये कन्वर्ट क्यों किया था डिवाइड करने के, डबल रूम ऑक्यूपाई तो इतना ही हुआ है ना, तो 5940 60 / 30 समझा। ट्रिपल रूम कितना ऑक्यूपाई हुआ है 3120 कितना खर्चा आ रहा है 80 रुपया, 80 / 30 करो इंटू 3120 करो तो इसका साल भर का खर्चा मिल गया, टोटल करो कितना आ रहा है भाई इसका 35,211,880,83,20,55,400 लाइटिंग का खर्चा 55,400। समझा लाइटिंग के बाद क्या खर्चा आ रहा है पावर का, पावर का भी पूरे मंथ का बोला है, पूरे मंथ का 20, पूरे मंथ का 30, पूरे मंथ का 40, इन सबको डिवाइड बाय 30 करेंगे और जितना यूज हुआ उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है। चलिए पावर का भी खर्चा कर, सेम वर्किंग जैसा ये बनाया वैसे ही पावर, सिंगल रूम का खर्चा कितना है 20 रुपया पूरे महीने का, और सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाई हुआ है 26,400, यहाँ पे लिखा 26,400 20 रुपया डिवाइड बाय 30, अरे हाँ, फिर कितना है 17,600, डबल का कितना है भाई, डबल का हम लोग कितना दे रहे 30 रुपया, डबल कितना है 5940, तो 5940 डिवाइड बाय 30 × 30 सेम आ जाएगा 5940। ट्रिपल में कितना खर्चा आ रहा है 40 रुपया, ट्रिपल कितना है 3120, तो 3120 40 / 30 समझा लॉजिक पक्का। मैंने 30 इधर लिखा तो कंफ्यूज तो नहीं होना, 30 इधर भी लिखोगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक का निकाल के फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। तो पावर का टोटल लेना पड़ेगा, पावर का टोटल कितना रहा है 27,700, पावर का टोटल 27, तो एक एक करके वर्किंग जैसा किया अपन ने सॉल्व किया, पावर हो गया। अब रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन खर्चा है, डायरेक्टली लिख दो रिपेयरिंग रेनोवेशन 42, लिनन का खर्चा है 45,000, इंटीरियर का खर्चा है 50,000, सन्ड्री का एक्सपेंस है 31,550, उसके अलावा डेप्रिसिएशन कितना है 14 लाख का 5%, ये भी मेरा खर्चा है 14 लाख का 5% कितना 70,000, अरे हाँ, फिर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 10% 1 लाख का, 1 लाख का 10% 10,000 आएगा, एसी का 10% 2 लाख का 10% 20,000 आएगा, और कोई खर्चा नहीं है। तो हम क्या करेंगे सबका टोटल लेंगे, टोटल कर लेंगे आपको टोटल आ रहा है 6,64,800,
इसमें मेरे को प्रॉफिट कितना ऐड करने वाला है, 25% कॉस्ट, तो इसका 25% निकाल लो, इसी का 25% निकालो, कितना आ रहा है 6,64,800 का 25 का 1,66,200 ऐड करूंगा तो टोटल खर्चा कितना, ये ऐड होगा ना प्रॉफिट। अब पूरा रूम साल भर में कितना है 41,555 और अभी खर्चा कितना है 81,831, तो हमको रूम पर रेंट पर डे कितना पड़ा 20 रुपया, ये टोटल आया। अब सिंगल को कितना, डबल को कितना, ट्रिपल को कितना, तो सिंगल का आएगा सेम 20 रुपए ही आएगा, डबल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5, तो 20 × 1.5 किया, समझ में आ गया। अरे हाँ, सिंगल में कन्वर्ट करना था ना, जो सिंगल था जैसे यहाँ पे सिंगल था, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए, तो सिंगल डे का रेंट इसका 20, इसका आएगा 30 और तीसरे का आएगा 40। क्लियर हुआ? रेंट पर सिंगल रूम, रेंट पर डबल रूम, बट डबल रूम नहीं, डबल को भी अपन ने किसमें कन्वर्ट किया, सिंगल में। लॉजिक क्लियर हो गया ये सम का, पक्का। चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं, देखते क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर होटल सीलिंग एंड ऑल्सो सजेस्ट रूम रेंट टू बी चार्ज पर डे सो दैट द ओनर अर्न प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 70। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, कितना प्रॉफिट कमाना है बोला 75,70,000 पे 20% कमाने का, उसके अलावा स्टाफ का सैलरी, रूम अटेंडेंट का, ये सब दी गई है। स्टेटमेंट डायरेक्टली बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। सबसे पहला मैंने कैलकुलेट किया टोटल ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द ईयर, इसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। यहां पे रूम के बारे में दिया है, देयर आर 200 रूम्स इन द होटल, 60% ऑफ द रूम्स आर ऑक्यूपाइड इन समर। क्या हो गया भाई, कुछ और हो गया, कोई नहीं, यहां पे आ जाते, होते रहता है ऐसा, इट्स नॉर्मल। देखो यहां पे कितने रूम्स है मेरे पास, 200। होटल में कितना परसेंट रूम ऑक्यूपाई हो रहा है, 60% रूम आर ऑक्यूपाइड इन समर, 20% रूम आर ऑक्यूपाइड इन विंटर। सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, ऐसा कुछ मतलब एक ही रूम है इनके पास, 200 रूम का 60% समर में ऑक्यूपाई है, 200 रूम का 20% विंटर में ऑक्यूपाइड है। समर है 7 महीने का, विंटर है 5 महीने का, महीने में होते 30 दिन, चलिए एक ही करके, तो 200 का 60% 120 आएगा, तो 120 7 दिन और 30 डेज के लिए कैलकुलेट, जैसा पिछले सब में किया, एक साथ लिख दिया था, यहाँ पे बाइफरकेट करके लिखा, आप एक ही लाइन में लिखो चलेगा, 200, 60, 37 तो भी चलेगा। अरे समझा, तो इधर कितना आ गया 25,200, विंटर में कितना ऑक्यूपाई होने वाला है सना 20%, तो 200 का 20% 40, 40 को इंटू 7 इंटू 5, 7 नहीं, इधर 5 इंटू 30 करोगे 6,000, टोटल कितना हो गया 25,200 और 6,000, 31,200, खत्म हो गया, इधर जीरो ज्यादा है, 31,200 ही आएगा, 25,200 और 6,000, इधर एक जीरो ज्यादा है, मेरे को मालूम था, इधर 31,200 आने वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी इसको डबल व्यूबल में कन्वर्ट करने का है क्या, नहीं, पूरे साल का सिंगल रूम पर डे मिल गया। अभी खर्चा का टेबल बना दो, एक एक करके खर्चा लेते जाओ। स्टाफ को सैलरी कितना दिया 4,00,000, स्टाफ सैलरी 4,00,000, रूम अटेंडेंट को कितना दिया 200 रुपए पर डे पर रूम व्हेन ऑक्यूपाइड, जब भी ऑक्यूपाई हुआ अपने को 200 रुपया पर डे देने का है, तो वेरिएबल खर्चा है, तो मेरे को समर में कितना रूम ऑक्यूपाई होता है 60% ही रूम ऑक्यूपाई होता है, बोला है ना, और उसको हम लोग को पर डे कितना देने का है, चलिए 60% ऑक्यूपाई होता है 30 दिन, 7 कितना आया 25,200 डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 200। अरे हाँ, आप पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा। विंटर में कितना आएगा 6,000, विंटर में अपन उसको कितना पे कर रहे हैं, सेम ही दे रहे, 200 ही दे रहे, बोला है ना 200 रुपया, चाहे विंटर हो चाहे समर हो 200 रुपया दे रहे, तो ये आपका रूम अटेंडेंट चार्ज हो गया। उसके बाद पावर के बारे में बोला है 250 रुपया पर मंथ, जिसे पिछले सब में था लाइटिंग का पर मंथ वाला 40 रुपया 20 रुपया था, तो इधर कितना है 250 रुपया रूम वेन ऑक्यूपाइड इन समर एंड 150 रुपया वेन ऑक्यूपाइड इन विंटर। बोल बेटा, रूम अटेंडेंट जितना रूम काम अटेंड करेगा उसको उतना ही पगार दूंगा मैं, नहीं वो स्टाफ अलग, सुबह वाला स्टाफ अलग, शाम वाला स्टाफ अलग, सर रहता है ना, सना सना बोल रही, बहुत मालूम है आपको, है ना सना, ऐसा नहीं पढ़ाते तो मालूम पड़ता है, हाँ
ज्यादा जज मत कर मेरे को। 250 रुपया, 250 रुपया एक मंथ का है, और एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 0 0 कैंसिल। देखो 8.333 यही आ रहा है क्या? तो एक दिन का रेंट इतना, सिंगल रूम समर में इतना चला, विंटर में इतना चला, बट विंटर का भाव तो अलग है। तो हम 8.33 इंटू कितना करेंगे? 25,200। अरे समझा करो कितना आ रहा है, 8.33 इंटू 25,200 करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? चलिए देखते हैं इधर क्या आ रहा है। 2,10,000 आ रहा है, 2,10,000 आ रहा है, रिकरिंग आ रहा है ना। तो इधर मैंने लिखने का तरीका बदला है, बट मतलब वही है। आप इधर क्या लिखोगे, जो मैंने अभी लिख के दिखाया वैसा लिखोगे तो भी चलेगा। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। आप क्या लिखोगे, 25,200 इंटू 250 डिवाइडेड बाय, सेम आंसर जो इजी लगता है वो। ऐसा लिखने का तो भी चलेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया, डन। विंटर में कितना खर्चा आ रहा है भाई का? 150 रुपया, मतलब 30 दिन का, तो एक दिन का 5 रुपया, विंटर में चला कितना? तो 6,000 इंटू 5 करोगे तो 30,000 आएगा। अरे बराबर, तो यहां पे आ जाएगा इंटू सी 5 इंटू 5, 30,000 आ जाएगा। देखते कैलकुलेट करके आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है बट 30,000, तो मेरा कैलकुलेशन सिंपल है, जो आपको लगे वैसा आप करो, सेम आंसर है। उसके बाद क्या आ रहा है भाई, कहाँ से अपन पावर में थे, पावर हो गया, रिपेयरिंग टू द बिल्डिंग खर्चा है ना भाई, डायरेक्टली 30,000 आ जाएगा। रिपेयरिंग के बाद सन्ड्री डायरेक्ट खर्चा है साल भर का, फर्निशिंग डायरेक्ट खर्चा है, डेप्रिसिएशन ये भी खर्चा है, 40 लाख का 10% 4 लाख आ जाएगा। ऑन फर्नीचर 15%, 10 लाख का 15%, देर आर 200 भाई, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 20% खत्म हो गया सब। और कोई खर्चा है क्या? अब टोटल कर लेंगे दोनों का, इसका टोटल 12,10,000, इसका टोटल 64,80,000, इनका और इनका दोनों टोटल ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है 76,90,000। क्लियर है? अब प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करना है, किसका करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 15,14,000 देख लो आ रहा है, ऐड करेंगे इसके अंदर तो कितना हो गया ये टोटल, 92,04,000 बराबर है। अब से ना ये 92 लाख पूरे साल का खर्चा, पूरे साल में कितना रूम चल रहा है, 31,200, इधर जीरो ज्यादा है, तो यहाँ पे 92,04,000 डिवाइड बाय 31,200, यहाँ पे लिखा है मैंने 31, तो इधर आ जाएगा 295। इधर अलग अलग रूम का कैलकुलेट होगा क्या? सम क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम, आज टारगेट थोड़ा ज्यादा है सम्स का, क्योंकि अपने को फटाफट कंप्लीट भी कर लेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटा सा समय ज्यादा बढ़ा लिया नहीं, लॉजिक क्लियर हो गया तो सम फटाफट होने वाला है। सना ध्यान दिया, मिस्टर एक्स रन अतिथि इनिंग्स विच हैज 20 रूम्स एंड ईच रूम हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 4 बेड्स, बीसी रूम है और हर रूम में कितने कैपेसिटी बेड्स के, 4 लोग सो सकते हैं, रूम कितने, 20, कितने लोग सो सकते हैं, 4, 4 के 4 भी सो सकते हैं, 3 भी सो सकते हैं, 2 भी सो सकते हैं, 1 भी सो सकते हैं, रूम में कैपेसिटी है 4 की, 4 बेड लगाने के, ठीक है। अपने को से क्या लेते हैं, 80% ऑफ द रूम वेर फुल्ली ऑक्यूपाइड, मतलब 20 रूम में से 80% फुल्ली ऑक्यूपाइड, फुल्ली ऑक्यूपाइड मतलब पूरे 4 के 4, चलो अच्छी बात है, ऑक्यूपाइड फॉर द होल ईयर, एंड 20% ऑफ द रूम वेर ऑक्यूपाइड बाय द कस्टमर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द रूम कैपेसिटी, मतलब जो 20% रूम है वो सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चला है, समझा। आगे 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 बढ़ते, अज्यूमिंग अ ईयर कंप्राइज ऑफ, एक साल में 360 दिन होते हैं, तो अब इधर डिबेट मत करना सर, एक साल में 365 दिन होते, ये लोग भी 360 क्यों लिया, 5 नेशनल हॉलिडे निकाल दिया, ठीक है, और 66 आएगा तो लीप ईयर है, वो भी हमने निकाल दिया। अब खर्चा है, डायरेक्टली खर्चे के पर चले जाते, स्टाफ का सैलरी लिख डालो, रेंट का सैलरी क्या, रेंट लिख डालो, इलेक्ट्रिसिटी लिख डालो, डेप्रिसिएशन लिख डालो, अरे चिंदी है रे, पट पट फट पट फट पट, यहां तक तो हो गया, इक्विपमेंट
सर सुंदरी एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिख दो, सुंदरी एक्सपेंसेस लिख दिया। अब रूम अटेंडेंट का जैसे पिछले सब में आया, रूम अटेंडेंट इज पेड एट द रेट 36 पर डे पर रूम व्हेन ऑक्यूपाइड, मतलब रूम अटेंडेंट को 36 रुपया देंगे जब भी रूम ऑक्यूपाइड है तब। चलिए रूम अटेंडेंट की बात करते हैं, क्या बात है, वेरी गुड। 80% भी ऑक्यूपाइड हुआ है, 20% भी, बट 80% फुल्ली ऑक्यूपाइड है और 20% सिर्फ 50%। तो रूम अटेंडेंट का वैसे ही कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, 20 रूम्स है, 80% ऑक्यूपाइड है, 80% ऑक्यूपाइड है, तो 20 का 80% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो एक मिनट, सिंपल 20 है, अच्छा एक मिनट, कुछ नहीं, 20 रूम्स है, पूरे साल में कितने दिन है, कितना पे कर रहा हूं मैं उसको, कितना आ रहा है बराबर। अब मैं उसका रूम अटेंडेंट का सेंटेंस पढ़ रहा हूं, यहां पे रूम अटेंडेंट इज पेड 36 रुपीज पर डे पर रूम व्हेन ऑक्यूपाइड, मेरा रूम तो ऑक्यूपाइड है साल भर, चाहे वो 80% हो चाहे वो 20%, रूम तो ऑक्यूपाइड है, 80% रूम होल ईयर ऑक्यूपाइड, 20% में कैपेसिटी 50% का ही है बट रूम तो ऑक्यूपाइड है ना, तो यहाँ पे 80-20 करने की जरूरत है क्या, इसलिए यहाँ पे 80-20 नहीं किया, डायरेक्टली 20 रूम लिया, 360 दिन लिया, 36 रुपया पे कर रहे बोला था, मल्टीप्लाई किया 2,59,200। अब फूड में वैसा नहीं है, फूड में क्या है, लोग रहेंगे तो ही खाना जाएगा, लोग रहेंगे नहीं तो खाना कौन खाएगा, आत्मा तो है नहीं वहां पे। हाँ बोलना, रूम अटेंडेंट को बोला है, रूम अटेंडेंट मतलब जो रूम अटेंड करने वाले वर्कर होते हैं ना, उनको अपन 36 रुपीज पर डे का दे रहे, पर रूम का दे रहे और रूम बोला है ऑक्यूपाइड है तो ही है, तो मेरा रूम तो पूरे साल भर ऑक्यूपाइड है। अब वो 80% है 20% मेरे को उससे कोई लेन देन है क्या, मैंने ऐसा बोला जितना ऑक्यूपाई रहेगा उतना पैसा दूंगा ऐसा बोला है, रूम ऑक्यूपाई है, एक जन है तो भी रूम ऑक्यूपाई है, चार जन है तो भी रूम ऑक्यूपाई है ना, तो उसको पगार तो देना ही पड़ेगा बराबर है, तो रूम कितना है 20, तो 20 रूम का पगार देना पड़ेगा पूरे साल भर में, रूम अटेंडेंट हो गया। फूड के रात है, फूड का खर्चा बोला है 30 रुपया पर कस्टमर पर डे, हर कस्टमर पे अपने को, अभी कस्टमर में यहां पे तो पूरे कस्टमर है चार के चार और यहां पे सिर्फ दो ही कस्टमर, तो यहां पे कैलकुलेशन में ऐसा होगा। फूड पे आता हूं, 20 रूम है, 80% ऑक्यूपाइड रहेगा मेरा, हाँ या नहीं, अरे बराबर, पहला 80% ऑक्यूपाइड रहेगा और इसकी कैपेसिटी पूरी रहेगी, पूरी कैपेसिटी मतलब चार बेड की रहेगी, पूरा ऑक्यूपाइड होगा इनटू कितने दिन, कितना पे करना है इनको, 30 रुपया, अरे बराबर, तो 20 का 80% पहले निकालो, 20 का 80% 16 आएगा, 16 ही आएगा, 16 का इंटू 4 इंटू 12 इंटू 16, अरे करो मल्टीप्लाई टाइम पास करो, ये इंटू 80% इंटू 4 इंटू 360 इंटू 30 कितना आ रहा है, 691,200, सही है यार, तो एकदम सही है, नहीं उसकी उम्र होगी ना, बाल सफेद होगी दिख रहा नहीं, सना क्लियर, वेरी गुड सना, ये तो हुआ 80%, अभी 20% बाकी है, तो 20 का 20% निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे जो बेड लग रहे वो कितना लग रहे, हाँ बोल बोलो बोलो, चार बेड ऑक्यूपाई होता है बट वो 16 रूम में ही होता है, ओह माय गॉड, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना, हमारे प्रशांत का डाउट है तो ऐसे ही रहता है, कहाँ लिखा है वो बता रहा हूं, 20 रूम मेरे पास है, मैक्सिमम कैपेसिटी चार बेड का है, हर रूम में चार बेड लग सकता है, लेकिन उसने बोला 80% रूम खाली फुल्ली ऑक्यूपाइड है, मतलब 16 रूम में चार चार बेड लग गया, बाकी जो चार रूम बचा उसमें कितने बेड लगे, जो 20% रूम बचा है वो ऑक्यूपाई कितना हुआ है, सिर्फ 50%, तो मतलब 16 रूम चार बेड वाला हुआ और चार रूम दो बेड वाला हुआ, तो यहां पे मैंने 20% लिखा ना, तो ये चार ही आएगा ना, 20 का 20% कितना आएगा, चार रूम चार बेड है लेकिन उसका 50% लेने का, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा तो भी चलेगा या चार का 50% लिखा तो भी चलेगा, समझा आपको,
यहाँ पे टू लिखा चल से, चार का 50% चल से, इंटू कितना दिन, 360 दिन, कितना भर रहे हो, 30 रुपया ही दे रहे हो। अरे बात समझ में आया, तो कैसे होगा, चार इंटू टू, फोर टू जा एट, एट इंटू 360 इंटू 30, एट इंटू 360 इंटू 30, ऐसे मैंने ना कल बोला था कैलकुलेटर, आप लोग एमकॉम वाले हो, हाँ तो मल्टीप्लाई करना है, 86,400, समझ में आ गया क्या, टोटल हो गया 7,77,600। तो ये आपका कौन सा खर्चा हुआ, फूड का भी, और कोई खर्चा नहीं ना दिख रहा है, अमाउंट बी चार्ज टू द कस्टमर पर डे, खत्म, टोटल ना करेंगे, फट से टोटल, फट से टोटल, 12 और 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 22-23 लाख के आसपास रहना चाहिए, 22,78,400। प्रॉफिट के बारे में बोला है, अकोमोडेशन एंड द फूड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच वाज 31,36,000। पिछले सब में 75-70 का बोला था, यहाँ पे इसका कितना परसेंट बोला है, 10%, तो भाई इसका 10% 3,13,600 आएगा, एक जीरो कम, ऐड करेंगे टोटल 25,90,000। अभी ये मिल गया, रूम डे निकालना पड़ेगा, ये तो मिल गया ना, डिवाइड करने का है, अब डिवाइड करने के लिए रूम डे निकाल लेते, रूम डे मतलब सिंगल रूम डे, सेम 20 रूम है, 80% ऑक्यूपाई है, 4 बेड है, 360 दिन बराबर, और कुछ आएगा क्या, नहीं, प्लस 20 रूम है, 20% है, ये एक हो गया, ये दूसरा 20 रूम है, 20%, 4 बेड, लेकिन 50% इंटू, यहां पे 50% प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, यहां पे 50% इंटू 360, ठीक है, यहां पे 50% आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हमारा है, कोई टाइपर ऐसा करते रहता है, गलती होता है, तो यहां पे 16 इंटू 4 इंटू 360 करो, 16 इंटू 4 इंटू 360 करो, 23,040, यहां पे 4 इंटू 2, सॉरी ये क्या है, 50% लेने का ना, 4 इंटू 2 8 आएगा, 8 इंटू 360 करो, 4,608, बेटा मैंने इधर बोला 4 इंटू 2 8 होएगा, 8 इंटू 360 करो, तो ये फिर इधर मिस्टेक है, ठीक है, इधर भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, अब चेक कर लो, तो यहाँ पे 2000 कितना आ रहा है, 2880, और ये 23 को उसमें प्लस करो, 2880, 2880 प्लस 2340 करो, कितना हो रहा है, देखो मतलब है टाइपिंग मिस्टेक, और कुछ नहीं होता है, कभी कभी इंसान है यार, गलती होती रहता है, ये 25,920, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 20 रूम था जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, 20 रूम था, 20% ऑक्यूपाई था, 4,50,360 तक जाना है, और इधर इतना ही जाने का, वही सेम इधर आ जाएगा, तो मेरा पूरे साल में कितना रूम ऑक्यूपाई हुआ, 25,920, खर्चा कितना हुआ, 25,92, सेम, देखो भाई सेम, 0,0, 100 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 100, कैलकुलेशन सिंपल था, समझ में आया सम, तो होटल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक रूम डे का, और फिर खर्चा निकालो, डिवाइड करो, काम फिनिश, ठीक है क्या, आता है कभी कभी आ जाता है, लास्ट सम फॉर द डे खत्म करूंगा, होटल खत्म करूंगा, इसके बाद हॉस्पिटल चालू कर लूंगा, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह मारेंगे, अभी होटल में सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल किया, अभी इधर से ये होटल आएगा, सॉरी हॉस्पिटल आएगा, तब ऐसा कुछ करेंगे, है ना, हॉस्पिटल है ना तुम लोग को, पता नहीं है मेरे को मालूम है, एमकॉम वाले ना तुम लोग, भरत होटल हैज एनुअल फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल फॉर द रूम, एनुअल फिक्स कॉस्ट रूम का है 7,50,000 For 300 rooms in a hotel, average daily room rates are 50 rupees. Average variable is rupees 10 rupees each room rented. Hotel operate 365 din per year. It is subject to an income tax of 40%. ये चिंदी सा क्वेश्चन दिया है। मैं समझाऊंगा, मेरा काम समझाने का है। पैसा मेरे को दिया है तुम लोग ने, समझाऊंगा मैं। खरीदा है ना मेरे को? Calculate number of rooms the hotel must rent. To earn net income after tax of 6 lakhs, वो बोल रहा है कितना कमाने का तुमको, अगर 6 लाख कमाना है तो आपका रेंट कितना होना चाहिए ये बताओ, एंड कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रूम रेंटेड। चलो ठीक है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स कितना है मेरा, अच्छा रूम डे ये देखना नहीं है, डायरेक्टली कॉस्ट पे आ रहा हूँ, यहाँ पे ये बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रूम
डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमाना है मेरे को, ये आफ्टर टैक्स है. व्हाट इज आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं, ये इधर से चालू कर रहा हूं. तो मेरा 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. आफ्टर टैक्स का मतलब बेसिक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, टैक्स माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. टैक्स कितना परसेंट है मेरा, प्रॉफिट हमेशा 100% रहेगा बिफोर टैक्स. उसमें अगर 40% टैक्स माइनस किया तो ये कैलकुलेटर में नहीं, दिमाग में होता है. 100 में 40 गया तो कितना बचा, 60% बचा. और ये मुझे दिया है, कितना दिया है, अगर 60% 6 लाख है तो 40% 4 लाख रहेगा और 100% 10 लाख रहेगा. कितना सिंपल था, 60% 6 लाख, 1% 1 लाख हो रहा है ना, 10% नहीं, मेरे को मालूम था तू इसका 40% निकाला रहेगा, 2,40,000 आया रहेगा तेरे को, इसमें ऐड करेगा तो 8,40,000 हो गया तेरे को. ये बेवकूफ, मेरे को मालूम था ऐसे ही करेंगे तुम, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया ना बेटा. मैंने इधर क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब मैं टैक्स माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, मतलब इसमें से हमने टैक्स माइनस किया है. इसके लिए मैंने बोला यहाँ देखो, जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो कितना परसेंट होगा, उसमें मैंने 40% टैक्स माइनस किया तो ये अमाउंट कितना आया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट है. अगर 60% 6 लाख है, 6 लाख है ना, तो 40% कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 लाख ही आएगा. मैंने डायरेक्टली करके दिखाया क्योंकि मेरे को समझ में आया, 60 का 6 लाख है, 10 का 1 लाख है, 40 का 4 लाख है, 10. क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था ये. अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, इसमें मैंने अपना टैक्स ऐड किया 4 लाख, तो बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 10 लाख. जो मैंने उधर दिखा वही सेम चीज इधर किया, यहाँ पे कैलकुलेशन वही किया, इधर 0 कम है, 6 लाख इंटू 40 डिवाइड बाय 60 करेंगे, कॉमा बराबर डाला है, 0 कम डाल दिया. नहीं नहीं वो नॉर्मल है बेटा, 10 लाख मुझे क्या मिला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर. इसमें फिक्स खर्चा मेरा कितना है, तो मैं फिक्स खर्चा अगर इधर ऐड करता हूं तो एक्चुअल में मेरा खर्चा कितने का है, ये मेरा खर्चा और ये मेरा प्रॉफिट है. इतना खर्चा हुआ, फिक्स कॉस्ट ऐड किया, टोटल मिला के 17 लाख का खर्चा हुआ. 17 लाख का खर्चा में मैं कमाने वाला कितना हूं, ये मेरा इनकम है आफ्टर टैक्स. अरे समझा, खर्चे में टैक्स भी सब माइनस करूंगा तो इनकम आएगा ना, तो इतने खर्चे में फिक्स खर्चा माइनस कर दिया, टैक्स का खर्चा माइनस किया तो जाके मुझे इतना इनकम मिला. मतलब टोटल 17 लाख, देखो 17,75,000 इज माई एक्सपेंसेस. आ जा भाई, 17,75,000 इज माई एक्सपेंसेस. 50 है भाई, 50 लिख देंगे ना, रब भी होता है. 17,50,000, इसमें 7.5 मेरा फिक्स खर्चा माइनस कर दिया मैंने, तो मुझे आया 10 लाख. 10 लाख में 40% टैक्स भरा, 4 लाख, तो कितना आया इनकम. ये बेसिक क्या, ये रिवर्स किया, ये ऐसा भी हो सकता है. अब रिवर्स क्यों किया, बिकॉज अपने को ये दिया था, ये फाइंड करना था, समझा. तो मैंने इधर यही फाइंड किया, टोटल रेवेन्यू टू बी अर्न, इतना खर्चा मुझे निकालना है. अब मैं इसके लिए निकालूंगा रूम डेज. अब रूम डेज के लिए क्वेश्चन में बोला है होटल में कितने रूम थे, एवरेज डेली रेट, और बोला है 50 रुपया हम उस पर रेंट चार्ज करते. एवरेज डेली रूम रेट्स आर 50 रुपीज, एवरेज वेरिएबल खर्चा कितना है 10 पर रूम का. तो यहाँ पे देखो 300 रूम है, 365 दिन अगर पूरे साल भर चलेगा एंजल प्रिया कितना रूम आ जाएगा, 1,09,500 बराबर. अब रूम रेंट कितना है 50, वेरिएबल खर्चा कितना है 10, बचा कितना. तो अब वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, हम ये 1,09,500 रूम डे से खर्चे को डिवाइड नहीं करने वाले, हम ये 40 रुपए से डिवाइड करने वाले. सर ऐसा क्यों, ये क्या है, इतना खर्चा में वेरिएबल निकाला तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला. ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट होता है, बराबर है. फिक्स कॉस्ट में
वेरिएबल निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। दोनों के बीच में वही होता है। तो मुझे इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, रूम रेंट में मैंने वेरिएबल खर्चा माइनस किया तो मेरे को कितना मिला, मतलब रूम रेंट मेरा सेल्स है, सेल्स में मैंने क्या माइनस किया, वेरिएबल, तो क्या मिल गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन अभी आपको क्या बताया, सेल्स, आजा भाई, सेल्स कितना, रूम रेंट मतलब सेल्स कितना, वेरिएबल कितना 10, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 40 रुपया आएगा ना, तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला 40, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या इनकम हुआ, मेरे को कितना कमाने का है, 17,50,000। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नंबर ऑफ रूम, हमको रूम्स कैलकुलेट करना है रेंट करने के लिए, टू अर्न इनकम ऑफ 6,00,000। तो इनकम के लिए इतना खर्चा तो करना पड़ेगा, इतना खर्चा करेंगे तो 6,00,000 कमाएंगे हम, तो इतना खर्चा करने के लिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 40 रुपए का। तो मैंने इधर निकाला नंबर ऑफ रूम्स टू बी डेड, 17,50,000 डिवाइड बाय 40 करूंगा तो कम से कम कितना रूम पर डे रेंट पे देना पड़ेगा, 43.70 रूम्स भाड़े पे देना पड़ेगा, तो जाके हम इतना कमा सकते हैं। समझा, कितना कमा सकते हैं, 6,00,000 रुपया। क्लियर। अब और एक चीज पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो सर बाय फिक्स कॉस्ट कितना है, 7,50,000 फिक्स कॉस्ट। नॉर्मल कितने अपने को 40 रुपया खर्चा आ रहा है, तो 7,50,000 मत 40, तो ब्रेक इवन वो क्या बोल रहा है, अगर आप 43 रूम भाड़े पे नहीं दे सकते हो ना, तो कम से कम 18 रूम दो, तो ब्रेक इवन पे आओगे। और ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। 6,00,000 कमाना है तो 43 रूम भाड़े पे दो, और ब्रेक इवन है तो कम से कम कितना रूम भाड़े पे दो। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया, फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, बराबर है। लेकिन अगर प्रॉफिट कमाना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। इधर ये नया चीज आपने सीखा है, क्लियर हुआ। बस आज इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।